بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محترم नाजरन कराम कुरान मजीद के उनतीसवें पारे का खुलासा पेश ख़िदमत है कुरने मजीद के उनतीसवें पारे में कुल ग्यारह सूरे शामिल हैं कि जिनमें से सबसे पहला सूर्य सूरतमल है कि जिसकी कुल तीस आयात हैं इब्तदाई आयत में खुदांद करीम ने इस बात को बयान किया कि अगर कोई इस कायन का खालिक और मालिक और ख़ुद मुख्तार बादशाह है तो वो फ़त वफ़त खुदांद करीम है कि जिसके कब्ज़ कुदरत में तमाम की तमाम बादशाहत है और उसकी बादशाहत की सबसे बड़ी दलील यह है कि उसने मौत को भी खल्क किया है और उसने हयात को भी खल्क किया है खुदा ने करीम इशारत फरमाता है कि तबारक लदी बदहमल वलाकलशन कदीर के बाबरकत है वजात के जिसके कब्ज़ कुदरत में तमाम का तमाम मुल्क है और वह हर चीज़ पर क़ादर है अलदी ख़ल अलमौत वाल हयात अलयलोअम अयुम अहसनला वहजीज़ुल्फ़ी ग़फ़ूर कि खुदा करीम वो है कि जिसने मौत को भी खल किया और उसने हयात को भी खल किया और मौत और हयात को क्यों खल किया मैं आजमा सके कि तुम में से कौन सबसे बेहतरीन अमल अंजाम देने वाला है वजीज़ालगफ़ूर और खुदा ख़ुदांद करीम गालिब आने वाला भी है और बहुत ज़्यादा बख्शने वाला भी है इसके बाद खुदांद करीम ने अपनी तोहद को बयान फरमाते हुए आसमान की खिलकत की तरफ़ इशारा किया और इस कायन के निज़ाम को के बेब होने को अपनी तोहद की सबसे बड़ी निशानी करार दिया कि अगर तुम्हें इस कायनात में कोई ऐब नज़र आ जाए और अपनी नज नज़रों को दौड़ाओ यहाँ तक के कहा कि दोबारा अपनी नज़रों को दौड़ाओ तुम्हारी नज़रें जो है वो हमारे कायनत में ऐब तलाश करने के लिए ढूँढ कर यहाँ तक के नाम वापस पलट आएंगी और वह ज़यीफ़ हो जाएंगी लेकिन उन्हें हमारे निज़ाम में कोई ऐब नहीं दिखाई देगा फिर इसके बाद खुदांद करीम ने कुफ़ार के आज़ाब का तस्करा किया और आख़रत में जो इनके कुफर के सबब इनकी पज़ीराई की जाएगी उसको ख़ुदांद करीम ने बयान किया इसके बाद ख़ुदांद करीम ने उन अफराद की जजा बयान की कि जो अपने रब से खौफ खाते हैं यानी अपने रब का खौफ रखते हैं और उनकी जजा यह है कि उनके लिए आखरत में बहुत बड़ा अजर अजीम है फिर खुदांद करीम ने, ने अपने इल का तस्करा करते हुए बयान फरमाया कि खुदांद करीम दिलों के हाल से वाक़ है और क्या खुदांद करीम उस शख़्स के या उस ज़ात के हाल से वाकिफ नहीं होगा कि जिसको ख़ुद खुदांद करीम ने खल किया है कैसे मुमकिन है कि जो अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह उसके हाल से वाकिफ ना हो फिर इसके बाद खुदांद करीम ने कई एक आयात में ज़मीन और आसमानों में अपनी निशानियों को बयान फरमाया और क़्यामत का तस्करा किया और बयान फरमाया कियामत का इलम जो है वो फ़कत व तो फ़क्त खुदांद करीम के पास है ख़ुदांद करीम जानता है कि कब क़्यामत आएगी और आखिरी आयात में खुदांद करीम ने सवालिया अंदाज में एक बार फिर अपनी तोहद को बयान किया और अपनी तोहद की तरफ मुतव कराया इसके बाद जो अगली सुरह है वह सूर्य मुबारक कलम है कि जिसकी कुल बावन आयतें हैं इस सूरह की इब्तदा में खुदांद करीम ने कलम की कसम खाई और जो ये कलम से सत्रे लिखते हैं उनकी कसम खाकर इस बात को बयान फरमाया कि रसोल खुदा सल्ह वसलम अपने रब की नियमत के सब मजरून नहीं हैं और रसूलुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा अजर अज़ीम है और रसोल्ला अलैहि वसम अखलाक के अजीम तरीन मरतबे पर फ़ाइज़ हैं फिर इसके बाद रसोल्ला सल्ला वसम को हुकुम दिया गया कि वो झूठों की इतना ना करें कि जो बहुत ज़्यादा कस्में खाते हैं ताना लगाते हैं चगलियाँ लगाते हैं और लोगों के ऐब बयान करते हैं और जो खैर से मना करने वाले हैं और हज़ से ज़्यादा तजावज़ करने वाले गुनाहगार हैं और जो बद नसब भी हैं खुदांद करीम ने मना फ़रमाया कि ऐसे अफराद की अतायत ना की जाए फिर इसके बाद खुदांद करीम ने आयत नंबर चौदह से लेकर आयत नंबर सो सोलह तक उन लोगों की ज़िल्लत और ख्वारी का तस्करा किया कि जो कुरान मजीद और रसोल्ला सल्ला वसम का इनकार करते हैं और फिर खुदांद करीम ने बयान फरमाया कि ये तो दुनिया में इनकी ज़िल्त और रसोई है और आखरत में जो इनका अज़ब है वो इससे कहीं बढ़कर है फिर इसके बाद खुदांद करीम ने मतकीन की ज़ह और इनकी जन्नत का तस्करा किया और बयान फरमाया कि हम हरगज़ मतकीन को मुजरिमीन की तरह करार नहीं देंगे फिर इसके बाद खुदा करीम ने मुशरिकीन की कयामत में रसवाई और उनके अजाब का तस्वर तस्करा किया और अजाब की एक किस्म जिसे अजाब इसराज कहा जाता है उसको खुदा करीम ने बयान किया कि अजाब इस है कि खुदा करीम कुफ़ार को जो इस दुनिया में ढील दिया हुआ है या कुफ़ार को जो इस दुनिया में नेमतें हासिल हैं तो वो ये ना समझें कि वो खुदा ने करीम के मुकर्रब बंदे हैं, बल्कि ये दुनिया जो खुदा ने करीम ने कुफार को दी हुई है और जो ये ऐश इशरत की ज़िंदगी कुफार गुज़ार गुजार रहे हैं ये खुद ने करीम की तरफ से एक तरह का अजाब है ताकि वो खूब जम के गुनाह कर लें और फिर अचानक से ख़ुदांद करीम उनको अपनी गिरफ्त में ले ले इस अजाब को अजाब इस्तराज कहा जाता है यानी नेमत के ज़रिए से खुदांद करीम जब अपने बंदे को किसी अजाब में मुब्तला करता है तो उसको अजाब इस्तराज कहा जाता है इसके बाद रसोल्ला सल्ला वसलम को सबर की तलकिन की गई और आखिरी आयत में ख़ुदांद करीम ने इशार फरमाया कि जब ये कुफ़ार रसोल्ला से क़ुरान को सुनते हैं तो ये आप पर नजर बद लगाते हैं इर्शाद फरमाए कि व इन यकादुल्लदीन कफ़रूँ लुदालक़ून का बेअसारिम लम मसमिक्र वनून इन्ना हूँ ल मजनून के ये जो गफ़ार हैं ये चाहते हैं कि आपको फिसला दें यानी आपको राय रास् से हटा दें बे आपबसारिम यानी अपनी आँखों से आपको जो है वो नज़र बद लगाते हैं जब ये कुर मजीद को सुनते हैं और कहते हैं कि ये शख्स जो है वो मजनून है जबकि खुदा करीब ने इनका जवाब दिया कि ये कुर मजीद सिवाए आलमी के लिए ज़िक्र के और कुछ भी नहीं है इसके बाद जो जगली सूरह सूर्य मुबारक अल है कि जिसकी कुल बावन आयतें हैं खुदा ख़ुदांद करीम ने इसकी इब्तदाई आयत में बयान फरमाया कि कयामत जो है वो बरहक है और उसका वाक़ होना बिल्कुल आ, यकीनी है और तुम्हें क्या मानूँ कि वो मुहक्क होने वाली कयामत क्या है फिर इसके बाद खुदा करीम ने कौम आत की हलाकत और उनके अजाब का तस्करा किया कौम फ़्र और उनसे पहले की जो अकवाम जो गुजशत अकवाम है उनका तस्कर फरमाया और फरमाया कि ये कस्से हमने इबरत के लिए बयान किए हैं जिसे सुनने वाले कान सुनते हैं और महफूज कर लेते हैं फिर इसके बाद खुदा बंद करीम ने सूर फूके जाने का तस्करा किया और क़्यामत की होलना बयान की और रब के हजूर पेश होने का जिक्र हुआ और नाम अमाल जब हाथों में थमाए जाएँगे उस वक्त का जिक्र हुआ तो कुछ लोगों के नाम अमाल सीधे हाथ में दिए जाएंगे और कुछ लोगों के नाम अमाल उल्टे हाथ में दिए जाएंगे सीधे हाथ वालों की जजा का तस्करा हुआ उल्टे हाथ वालों की ए, के अजाब का तस्करा हुआ फिर इसके बाद ख़ुदाकरी ने बयान फरमाया कि यह कुरान किसी शायर या किसी काहिन का कलाम नहीं है बल्कि ये आलमीन के परवरदिगार की जानब से शुदा कर, आ, कलाम है और फिर फरमाया कि अगर हमारे रसूल भी नावजुबिल्ल हम पर कोई झूठ बाँधे तो हम अपने रसूल को भी उसकी गर्दन से पकड़ लेंगे फिर इसके बाद खुदा ने कल ने बयान फरमाया कुरान मुतकीन के लिए, लिए नसीहत है काफ काफ़िरों के लिए हसरत है और ये कुरान बरहक है इसके बाद की जो अगली सुरह है वह सुरह मुबारक मारज है, है कि जिसकी कुल चवालीस आयतें हैं इब्तदाई आयत में ख़ुदा क़रीम ने क़यामत के आज़ाब का तस्करा किया कि वो वाक़ होकर रहेगा और काफिर इससे बच नहीं सकते और क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जिसके एक दिन की मकदार पचास हज़ार साल के बराबर है यानी दुनियावी पचास हज़ार साल के बराबर जिसके एक दिन की मकदार है और कुफ़ार जो है वो क़यामत को बहुत दूर समझते हैं जबकि क़यामत जो है वो बहुत ही नज़दीक है फिर इसके बाद खुदा करीम ने मजीद क़यामत की होलनाकी को बयान करते हुए अर्शात फरमाया किमत के दिन आसमान जो है वो तेल की मानन जो है वो छलक रहा होगा और पहाड़ जो है वो ऊन की मानंद होंगे और जिस दिन से जिस दिन के अजाब से बचने के लिए कोफार ये चाहेंगे कि जो कुछ ज़मीन पर रूई ज़मीन पर है वो सब का सब इस अजाब से बचने के लिए फ़दये के तौर पर दे दें यहाँ तक के अपने माँ बाप को यहाँ तक के अपने भाई बहन को यहाँ तक के अपनी औलाद को भी वो चाहेंगे कि इस अजाब से बचने के लिए फ़दिये के तौर पर दे दें लेकिन हरगिज़ उनसे यह अजाब टाला नहीं जाएगा इसके बाद खुदावंद करीम ने इंसान की चंद बुरी ख़सलतों का तस्करा किया के इंसान जो है वो एक तो कच्चे दिल का मालिक है दूसरा मुसीबत के वक्त जो है वो बेताबी करता है और जजा और फज़ा करता है और जब इसे कोई नेकी मिलती है तो ये बुख़ल से काम लेता है खुदांद करीम इशात फरमाता है कि नल इंसान ख़ुल का हलू आदा मसर व जजु आ वा महुल ख़ैर मनु आ बहक़ीक इस इंसान को जो है वो कच्चे दिल वाला खल किया, किया जब इसको कोई मुसीबत पहुँचती है कोई शर इसको पहुँचता है तो ये जजा और फजा करने लगता है बेताबी दिखाने लगता है और जब कोई ख़ैर इस तक पहुँचता है तो ये खैर को मना करने वाला होता है यानी बखल करने वाला होता है इन तीन बुरी सफ़ात से कुछ लोग मुबर्रा हैं मुस्तना हैं वो कौन हैं मुसल्लीन सिवाए उन लोगों के जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं अदीन हम सलातहिम दा जो अपनी नमाजों की हमेशा से पाबंदी करते हैं वलुीना फ़ी अमवाल ही معلوم मालूम वो लोग के जिनके अम्वाल में एक हक के मालूम है यानी महरूम अफराद के लिए हक़ के मालूम हैं लसा अल महरूम सवाल करने वालों के लिए और महरूम अफराद के लिए उनके अमवाल में हक मौजूद है वलीना युसद्दून बोमुद्दीन और जो यौम जजा की जो है वो तस्दीक करने वाले हैं और अपने रब के अज़ाब से डरने वाले हैं और अपनी शर्मगाओ की हिफाजत करने वाले हैं और अमानतों को अदा करने वाले हैं एहदो पैमान की रायत करने वाले हैं फिर उसके बाद खुदा नद करीन ने इन अफराद की जज़ा का तस्करा किया कि इनकी जज़ा जो है वो ये है कि इनको जन्नत में बड़े अहतराम और इकराम के साथ दाखिल किया जाएगा और जन्नत में ये बड़े अहतराम और इकराम के साथ रहेंगे फिर उसके बाद खुदा नद करीन ने कुार के पछतावे का तस्करा किया कि वो तमाह और लालच रखेंगे कि काश उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाए लेकिन खुदा नंद करीन फरमाता है कि इन्हें हरगज़ जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा और फिर फरमाया कि इनको इनके हाल पर छोड़ दें और ये इसी दुनिया की मस्ती में मस रहें और फिर खुदा नंद करीम ने महशर के रोज़ रोज़ की हालत इजार को ज़िक्र फरमाया इसके बाद अगली सुरह सर मुबारक नू है कि जिसकी कुल अट्ठाईस आयतें हैं इस सुरय में खुदांद करीम ने हज़रत नू आ सलासलम और उनकी कौम का तस्करा फरमाया कि हज़रत नू ने किस तरीके से सुबह शाम अपनी कौम को तोहहीद की तरफ दावत दी उनको इसतफ़ार करने की तरफ़ दावत दी उनको तौबा तरफ़ दावत दी लेकिन उनकी कौम जो है वो अपनी हट धर्मी पर अटी रही यहाँ तक कि हज़रत नूह का कौल ख़ुदांद करीम ने नक़ल फ़रमाया कि हज़त नूह ने ख़ुदा की बारगाह में आर्ज़ की व इन्नी कुल्लमा कुल्लमा दाउत हम लताफ़िर जाबा हम फि आदान वस्तयाबाह हम व असर्र वतख वस्तबबरु इसतबार मैं जब भी इनको पुकारता हूँ कि ये जो है वो मखफ़रत तलब करें खुदा बंद करीम की बारगाह में मफ़रत तलब करें तो ये अपने उंगलियों को अपने कानों में डाल लेते हैं और अपने कपड़ों को ओढ़ लेते हैं और मुसर रहते हैं अपनी हटदर्मी पर और मेरी दावत के मुकाबले में इसतबार यानी तकबर से काम लेते हैं सुबह शाम हज़रत अलैहिस्सलाम ने मुसलसल अपनी कौम को इस्तफार की दावत दी और इस्तफार के फ़ायदे भी गिनवाए कि देखो इस्तफार करो तोबा करो अगर तुम इसफ़ार करोगे ने क़रीम तुम्हारे माल में बरकत अता करेगा तुम्हारी औलाद में बरकत अता करेगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा लेकिन उसके बावजूद जब हज़रत नू की कौम नहीं मानी तो फिर हज़रत नूह को ख़ुदा की बारगाह में दुआ करनी पड़ी और हज़रत नूसल ने फ़रमाया कि वक़ाल नूरबिलाफ़री दय्यार नज़र हम इबाद का वलम यलिदुल्ला फ़ाजरन कफ़ारा के, युदल, के हज़रत नूसलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज़ की कि अरे पालने वाले तूरवए ज़मीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़ अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो ये यकीन तेरे और बंदों को भी गुमराह करेंगे और ये फासिक और फाजरों के अलावा किसी और को जन्म नहीं देंगे यानी ख़ुद भी फास्क व फाजिर हैं उनके पास इनके बाद जो उनकी औलाद आएगी वो भी फास्क व फाजिर ही होगी तो लिहाजा अब इनका रोए ज़मीन के नीचे चले जाना ही ज़्यादा बेहतर है रोए ज़मीन के ऊपर रहने से तो फिर हज़रत नू सला ने दुआ की और फिर वो पूरा वाक़ हुआ और उनके कौम को जो है वो आ, खुदा बंद करीम के अज़ाब ने घेर लिया इसके बाद का जो सुरह है वह सूर्य मुबारक जिन है कि जिसकी कुल अट्ठाईस आयतें हैं इब्तदाई आयत में ख़ुदांद करीम ने जिनों जिनों उन जिनों का तस्करा किया कि जो रसोल्ला सल्ला वसलम के पास हाज़िर हुए उन्हें उन्होंने क़ुर मजीद को सुना उस पर ईमान लाए और फिर अपनी कौम के पास पलटे और अपनी कौम को जो है वो दावत दी तोद की और क़ुरान मजीद का तारुफ़ कराया और फिर उसके बाद जो जिनों की एक ताद थी जो अपने ग़लत अकीदे से जो है उन्होंने तोबा की और अल्लाह पर ईमान ले आए रसोल्ला पर ईमान ले आए और अपने जो उनके गलत अक़ीदे थे उससे मुँह फेर लिया यहाँ तक कि कहने लगे कि व इन नम्बा समय नहुदा आमन्ना भी फमयुम बे रबी ही फ़ला यख्स वला राह का बहीक जब हमने हदायत को सुना तो हम उस पर ईमान ले आए और जो भी अपने पर रब पर ईमान लाएगा उसे ना किसी नुकसान का अंदेशा होगा और ना ही उसे कोई किसी स्तम का कोई खौफ होगा फिर इसके बाद खुदांद करीम ने जिन्हों की एक दूसरे ग्रोह का तस्करा किया कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और जो काफिर रहे और खुदांद करीम ने उनके लिए उनको जहनम का ईंधन करार दिया फिर इसके बाद खुदा न करीम ने बयान फरमाया कि मसाजिद जो हैं वो फ़त और फ़क्त अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के अलावा मसाजिद में किसी और की इबादत ना की जाए आयत नंबर अट्ठारह में खुदांद करीम इशार फरमाता है कि व अनमसाजिद्ला फ़ला तुम अल्लादन के बेतीक मसाजिद जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं बस अल्लाह के साथ किसी एक को भी ना पुकारो यहाँ पर पुकारने से मुराद जो है वो इबादत करना है पुकारने का मतलब ये नहीं है कि, कि किसी को आवाज़ लगाई जाए वरना अगर यही मतलब होता कि किसी को आवाज़ लगाना जो है वो पकारने का मतलब होता तो मस्जिद में रह जैसे मिसाल के तौर तो पर एक नमाज़ी किसी दूसरे नमाजी को अगर आवाज़ लगाए या पुकारे तो क्या नवाजुबिल्ला उसने शिर्क किया कोई भी नहीं कहता कि उसने शिर्क किया बल्कि यहाँ पर पुकारने से मुराद इबादत है यानी अल्लाह के साथ किसी और खुदा की इबादत ना की जाए इसके बाद रसूलुल्लाह रसोल्ला सल्ला वसलम की दावत तौहीद का तस्करा हुआ कि रसोल्ला सल्ला वसलम ने कुफार से कहा कि मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तरफ़ दावत देता हूँ और फिर खुदा बंद करीम ने गैब के इल्म का तस्करा करते हुए फरमाया कि गैब का जो इल्म है वो फक़त और फ़क्त ख़ुदा करीम जानता है या फिर वो जानता है कि जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए यानी गैब का इल्म जो है वो अल्लाह जानता है और अल्लाह के अलावा अगर अल्लाह ने किसी को गैब का इल्म दिया है तो उसको दिया है कि जिससे अल्लाह राज़ी हो गया ख़ुदांद करीम शर फरमाता है किलिमैब फ़लाईर वैबी ही अहदन खुदांद करीम गैब का जानने वाला है और उसने गैब पर किसी को भी म नहीं दिया इत्तला नहीं दी इला मन मसूल मगर ये कि सिवाय उस शख्स के कि जिससे वो राज़ी हो गया रसूलों में से इसके बाद अगली सूरह सूरह मुबारक मुजम्मिल है कि जिसकी कुल बीस आयतें हैं इब्तदाई आयत में सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की इबादत का तस्करा हुआ और उनकी शब बेदारी का जिक्र करते हुए खुदांद करीन ने इशार फरमाया कि अबीब रातों को जाग कर हमारी इबादतें क्या करें मगर कम इबादतें क्या करें या तो कुर रात के कुछ हिस्से में आधे हिस्से में या एक तिहाई हिस्से में हमारी इबादत किया करें और रसोल ख़ुदा सल्ह वसम को हुकुम दिया गया कि कुरान मजिद को ठहर ठहर कर पढ़ें और फिर खुदा खुदांद करीम ने शब बेदारी यानी रात को जाग कर खुदा खुदांद करीम की इबादत करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा बयान फरमाया फरमाया कि नाशल यह अशद वत अं वाकवम कीला कि रात को ज़िंदा करना यानी रात को जाग कर अल्लाह की इबादत करना ये अपने नफ्स पर काबू पाने के अतबार से बहुत ही मौसर आ, अमल है कि अगर इंसान चाहता है कि अपने नफ्स पर काबू पाए और अपने दिल को एक जगह जमा कर रखे तो उसको चाहिए कि रातों को जाग कर जो है वो इबादत करे और बात को दुरुस्त कर देने के अतबार से भी अगर वो चाहता है कि इंसान की ज़बान से फ़कत हक़ निकले तो इंसान को चाहिए के रातों को जाकर ख़ुदांद करीम की इबादत किया करें फिर उसके बाद रसोल्ला सल्ला वसलम को हुक्म दिया गया कि वो अपने रब को जो है वो यकसुई के साथ अपने रब का ज़िक्र करें उनके सुबह शाम अपने रब की याद में मशगूल रहें और फिर रसोल्ला सल्ला वसलम को सबर की तलकिन की गई कि ये कुफ़ार जो नारवा तहमतें आप पर लगाते हैं इन पर सब्र करें और अच्छे अंदाज से आगे बढ़ जाएँ कि आपका पर आपका जो है वो इन कुफ़ार के लिए काफ़ी है फिर ख़ुदा करीम ने कुफ़ार के आज़ाब का तस्करा किया और कौम फ़िर का हवाला देते हुए खुदा करीम ने इशार फ़रमाया कि हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह रसूल भेजा है कि जिस तरीके से हमने कौम फ़िर की तरफ़ रसूल भेजा था और फ़िरौन ने हमारे रसूल की मुखालफत की तो हमने उसको अपने अहबाब में जकड़ लिया फिर ख़ुदा करीम नेमत की होनाकी का तस्करा किया और आखिरी आयत में ख़ुदा मंद करीम ने रसोल्ला को की रात को जाग कर इबादत करने का तस्करा किया और उन लोगों का तस्करा किया कि जो रसोल्लाह के साथ रात को जाग कर इबादत करते हैं और आखिर में नमाज़ क़ायम करने जक़त अदा करने और अल्लाह के अल्लाह को कर्ज़ देने की ताकीद की गई यानी अल्लाह की राह में इफ़ाक़ करने की ताकीद की गई इसके बाद अगली सुरह सुर मुबारक मुदसर है कि जिसकी कुल छप्पन आयतें हैं इब्तई आयत में रसोल्ला वसम को हुक्म दिया गया कि वो कुफ़ार को अज़ाब ख़ुदा से डराएँ अपने रब की बुजुर्गी बयान करें अपने जिन जिसम जान की तहारत का अहमाम करें और गुनाहों से बचें और किसी पर एहसान ना जतलाएँ और सबर इख्तियार करें फिर इसके बाद ख़ुदा करीम ने जिक्र फरमाया कि किफ़ार के लिए सख्त तरीन दिन यानी क़्यामत का तस्करा किया कि हमने कुफ़ार को दुनिया में जो हर तरह की नहमत से नवाज़ा है लेकिन वो कुफ़रान नेमत करते हैं और अपने रब के दुश्मन बन गए और हमारे रसूल सल्ला वसलम पर जादूगर होने की तहमत लगाते हैं फिर इसके बाद ख़ुदा करीम ने बयान फरमाया कि कुफार के जो आख़िरी ठिकाना है वो सकर है यानी जहन्म का एक नाम सकर है कि जिसको कुफ़ार का आखिरी ठिकाना करार दिया गया और फिर खुदा करीम ने बयान फरमाना कि जहन्म की जो दरोगा हैं वो हमने फ़रिश्तों को करार दिया है ताकि हम इसको कुफ़ार के लिए फितना करार दें और ममिन के लिए के लिए उनके ईमान में इजाफे का सबब करार दें फिर खुदा करीम ने चंद कस्में खाते हुए अर्शाद फरमाया कि ये जो जहन्नम है ये बहुत बड़ी चीज़ों में से एक है और हर नफ्स जो है वो अपने आमाल के अवज़ गिरवी है फिर खुदा करीम ने अब यमीन और उनकी जन्नत का तस्करा किया कि वो अहल जहन्नम से सवाल करेंगे कि तुम्हें किस चीज़ ने शकर यानी जहन्नम में पहुँचा दिया यानी जो अब यमीन होंगे जो साबान ईमान लोंगे लोग होंगे जो जन्नत में होंगे वो सवाल करेंगे अहल जहन्नम से कि तुम्हें किस चीज़ ने जो है वो इस सकर में इस जो है वो जहन्नम में पहुँचा दिया तो जो अहले जहन्नम होंगे वो जवाब देंगे क़ालम नकु मुसल्लीन वो जवाब देंगे कि हम नमाज़ पढ़ने वाले नहीं थे व लम नकु मिस्कीन और हम मिस्कीन को खाना खिलाने वाले नहीं थे वकुन्ना नख मायल खाइदीन और हक़ के ख़िलाफ़ बातें बनाने वालों के साथ मिलकर हम भी बातें बनाने लगते थे वकुन् नकद व बेमद्दीन हम रोजे जजा को झुठलाते थे हती अतान यकीन यहाँ तक के मौत जो है वो हम तक आ पहुँची फिर इसके बाद ख़ुदा करीम ने आख़रत में कुफ़ार के हालत जार को बयान करते हुए इशात फरमाएँ कि ये एक नसीहत है बस जो नसीहत लेना चाहे वो नसीहत ले और अल्लाह जो है वह अहल तकवा भी है और अहले मकफ़रत भी है इसके बाद जो अगली सूरह है वह सूर्य मुबारक क़याम है जिसकी कुल चालीस आयतें हैं इसकी इब्तदाई आयत में ख़ुदान्द करीम ने रोज़ क़यामत और नफ़ लवामा की कसम खाते हुए ये बयान फरमाया है कि ये क्या यह इंसान ये गुमान करता है कि हम इसकी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं करेंगे इसके जवाब में ख़ुदांद करीम ने कहा कि क्यों नहीं हम यकीन इस बात पर कादिर है और हम तो इस बात पर भी का दे कि इसके उंगलियों को के जो पोर हैं उन पोर पोर को बिल्कुल बेन ही दुरुस्त जो है वो दोबारा खल कर सकें फिर इसके बाद खुदा खुदांद करीम ने बयान फरमाया कि इंसान ये चाहता है कि ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करे और फ़िक व फजूर में मुबतला रहे और वह सवाल करता है कि क़्यामत जो है वो कब बरपा होगी इसके जवाब में खुदा खुदांद करीम ने फरमाया कि कियामत जो है वो उसका इल्म अल्लाह के पास है और फिर क़्यामत की कुछ निशानियाँ और उसकी होलनाकी बयान की गईं कि जिस दिन इंसान क्या उठेगा कि अब राय फरार कहाँ है यानी इंसान कहेगा कि इस दिन से जो है वो फ़रार का रास्ता कहाँ है तो खुदा करीम की जानब से निदा आएगी कि आज के दिन कोई राह फ़रार नहीं है सिवाय अपने रब के हजूर पेश होने के और परार इंसान को उसके अमाल से बाखबर करेगा फिर इसके बाद ख़ुदांद करीम बयान फरमाता है कि रोज़ क़यामत जो है वो किसी किस्म की अदालत लगाने की या नाम अमाल देने की ज़रूरत ही नहीं है बलानसान अला नफ्ससी बसरा बल्कि इंसान खुद अपने नस पर ख़बर रखता है वो ख़ुद अपने आप को जानता है कि वो पिछली ज़िंदगी जो गुजार कर आया है वो कैसी गुज़ार कर आया है लिहाजा उस दिन हिसाब व किताब के लिए फ़ैसले के लिए ख़ुद इंसान ही अपने नफ्स के लिए काफ़ी है फिर इसके बाद ख़ुदा न करीम ने रसोल्ला सल्ला वसलम को हुकम दिया कि वह वही इलाही को पढ़ने में जल्दी ना करें और कुरान को जमा करना उसे पढ़वाना अल्लाह के ज़िम्मे हैं और उसको इसके बयान की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह की ही है फिर इसके बाद दोबारा क़्यामत का तस्करा हुआ कि क़्यामत के दिन कुछ चेहरे जो है वो तरोताज़ा होंगे और अपने रब की रहमत के मुंतज़र होंगे और कुछ चेहरों पर जो है वो फिटकार बरसाई होगी और फिर क्यामत के अहवाल को ख़ुदांद करीम ने जिक्र फ़रमाया आखिर में दोबारा उठाए जाने को याद दिलाते हुए खुदा मंद करीब ने फरमाया कि क्या ये इंसान गुमान करता है कि इसे खल करके हमने ऐसे ही छोड़ दिया है यानी क्या इंसान गुमान करता है कि ये एक मरतबा खल हो गया है और जानवरों की तरह जिस तरीके से जानवर जो है वो इस दुनिया में आते हैं खाते हैं पीते हैं और फिर मर जाते हैं और फिर उसके बाद उनका कोई पुरसान हाल नहीं है क्या ये इंसान भी यही गुमान करता है कि हमने इंसान को जानवरों की तरह खल किया है कि वो इस दुनिया में आएगा खाएगा पिएगा मर जाएगा और उसके बाद उसका कोई दोबारा जो हिसाब किताब नहीं होगा बल्कि हरगिज़ ऐसा नहीं है आ, क्या इंसान अपनी खिलकत को भूल गया है कि वो एक नतफ़ा था फिर नुफ़े से हमने जो है वो लड़की और लड़के को बनाया तो जो ख़ुदांद करीम इस तरीक़े से इंसान को ख़ल कर सकता है क्या वो दोबारा इंसान को ख़ल करने पर कादिर नहीं है यकीन ख़ुदांद करीम दोबारा भी इंसान को ख़ल करने पर कादिर है इसके बाद अगली सुरह सर मुबारक इंसान है जिसको सुरह भी कहा जाता है और जिसको अहल बैत का कसीदा भी कहा जाता है इसकी कुल इकतीस आयतें हैं इब्तदाई आयत में ख़ुदांद करीम ने इंसान की ख़िलकत का हवाला देते हुए इशार फरमाया कि हमने इंसान को मिले जुले नुफ़े से मदे से खल किया ताकि हम इसको आजमाएं और हमने इसको हिदायत की राह भी दिखला दी और हमने इसको गुमराही की राह भी दिखला दी दोनों रास्ते इसको दिखला दिए अब चाहे तो हमारा शुक्रगुज़ार बंदा बने और चाहे तो हमारी नेमतों का कफुर करने वाला बंदा बने फिर इसके बाद खुदा न करीम ने कुफार के आजाब का तस्करा किया कि हमने कुफ़ार के लिए जंजीरें तौक और शोलो वाली आग को आमादा कर रखा है और फिर नेकोकारों की जजा का तस्करा हुआ और फिर अहलबैत अतःार की नज़र का तस्करा करते हुए खुदा खुदांद करीम ने शायर फ़रमाया कि यूफ़ू न बिन नजर व यहाँ यौमन का ना शर्र हो मस्तरा कि ये अहलबैत अतहार अपनी नजरों को वफ़ा करते हैं अदा करते हैं और उस दिन से डरते हैं कि जिस दिन की जो बुराई होगी वो सब पर जो है वो गालिब होगी सबको उसने अपने घेरे में लिया हुआ होगा व युत अमून तमाम ही मस्किन व यतीम व असीरा और ये खाना खिलाते हैं बावजूद इसके कि खुद खाने की चाहत रखते हैं मगर उसके बावजूद ये जो है वो खाना खिलाते हैं मस्किनों को और यतीमों को और असीरों को और कहते हैं कि इन नमा नुतम कम लिबल्ला ला नूरीदिन कम जजा वला शिकूरा शु, कि हमने जो तुम्हें खाना खिलाया फकत और फ़कत अल्लाह के खुशनुदी के लिए खिलाया है ना तुमसे कोई जजा चाहते हैं और ना ही तुमसे कोई शुक्रिया के हम तालेब हैं फिर इसके बाद आखरत में जो खुदांद करीम एहलेार का अहतराम और करेगा और उनको जिन नेमतों से नवाजेगा उसको खुदा न करीम ने जिक्र फ़रमाया और फिर रसोल्ला सल्ला वसलम को सबर की तलकिन की गई और कुफ़ार की इताद ना करम दिया गया और सुबह शाम अल्लाह को याद करने का हुम दिया फिर इसके बाद जिक्र हुआ कि ये कुफ़ार जो है वो दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और दुनिया की मोहब्बत ही इनकी हदायत की राह में रुकावट है यानी ये हिदायत की तरफ इस वजह से नहीं आते हैं या हदायत को इस वजह से कबूल नहीं करते हैं क्योंकि ये दुनिया के बहुत ज़्यादा मुहब है और शदीद मोहब्बत करते हैं दुनिया से इसके बाद अगली सूरह सूरह मुबारक मुरसलात है कि जिसकी कुल पचास आयतें हैं इब्तदाई आयत में चंद कस्में खाकर खुदावंद करीम ने बयान फरमाया कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया गया यानी क़यामत वो यकीनन वाक़ होकर रहेगी और फिर क़यामत की हौलनाकी को बयान फरमाया और फिर बयान फरमाया कि ये फैसले का दिन होगा और वह दिन झुटलने वालों के लिए बड़ा सख्त दिन होगा फिर इंसान की खिलकत के मराहल खुदावंद करीम ने जिक्र फरमाए और ज़मीन और ज़मीन की खिलकत को निशानी के तौर पर खुदा करीम ने पेश किया और कुफ़ार के अजाब का तस्करा हुआ मतकीन की नियमतों को खुदा करीम ने जिक्र फ़रमाया और आखिर में दोबारा कुफ़ार को मुखातब करके कहा गया कि ये दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के मज़े ले रहे हैं और ये जो है वो दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के मज़े ले लें आखिरत में इनके लिए हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला अजाब है यूँ इस तरीके से इस पारे का अखता होता है واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين